नरेंद्र नगर में स्थित है और इसकी पर जब तक ये खाते हैं तब तक तो क्यूट लगते हैं, छीना झपटी करते हैं तो डर भी लगता है यार। और सबसे बड़ी बात, इस मोटे से वो घंटी नहीं बजाई गई क्योंकि इसकी हाइट छोटी पड़ रही थी, तो वहां से उछलने के चक्कर में नीचे गिर गई थी। जोर से बोलना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डॉक्टर क्यूबजीत व्लॉग्स। और हमेशा आपने देखा होगा कि ये राइडर बनी रहती है और मैं रहता हूँ पीछे कैमरा संभालते हुए, बट आज टेबल्स हैव टर्न्ड और आज ये आराम से पीछे बैठी है और मैं राइडर बना हूँ। ऐसे मत सोचना कि मैं स्कूल से मतलब कॉलेज से टपके जा रहा हूँ भाई, ये मेरी घर की है, थोड़ा फॉर्मल बन के आया था आज। मैंने कहा अच्छे से बन के जाते हैं, कहीं सोच रहे यार ये तो कॉलेज टपके जा रहा। अरे अब जा कहाँ रहे ये तो बता दो। और हम जा रहे हैं कुंजापुरी, और अभी वहां जाके रास्ते की ज्यादा नहीं बनाएंगे, सीधे वहां पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कुंजापुरी में कैसा है आजकल माहौल, बढ़िया, और वहां चल के देखते हैं फिर और कैसा माता है। के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। यस, अभी हम जा रहे हैं कुंजापुरी माता के मंदिर जो कि नरेंद्र नगर में है, और ये जो हमने रास्ता लिया है ये ऋषिकेश से पहले ही कट जाता है अलग, ये दरअसल शॉर्टकट है एक तरह से, बोले तो 15 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा रानी पोखरी से, और बस हम पहुंचते हैं। और बिल्कुल सामने पे मुझे दिख रहा है नरेंद्र नगर, अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो दिख रहा है हमारे को नरेंद्र नगर, मैं पहली बार ही आई हूँ इस रास्ते पे, ये रास्ता थोड़ा हमारे लिए नया है और हम भी पहली बार ही जा रहे हैं यार इस पे। तो आप लोग पूरा व्लॉग देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये जो आपको नदी दिख रही है ये चंद्रभागा नदी है जो कि ऋषिकेश में जाके मिल जाएगी गंगा जी से, यहाँ से सिर्फ 7 या 6 किलोमीटर तक बचा है। तो ये देखो हम लोग पहुँच चुके हैं नरेंद्र नगर, और ये नरेंद्र नगर है नीचे और हमें और जाना है शायद, यहाँ पे यही लिखा था कि धीरे चलिए और सफ़र का आनंद लो। और ये इतना सुंदर लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा, वो देखिए वो दिख रहा है आपको ऊपर, वो वहाँ जाना है। और आज इतनी धुंध है ना कि हमें दिख नहीं रहा है, वरना यहाँ से ऋषिकेश की ऋषिकेश पूरा अच्छा सा दिखता है और साथ में वहाँ पर गंगा जी भी दिखती हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं और ये एक हीरो बाल बनाता है। और मंदिर में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं और काफी सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ ऊपर जाने के लिए, मोटे चल जाएगा तो पूरा फिर ऊपर तक चल दौड़ के दिखा फिर। और सबसे बड़ी बात, इस मोटे से वो घंटी नहीं बजाई गई क्योंकि इसकी हाइट छोटी पड़ रही थी, तो वहां से उछलने के चक्कर में नीचे गिर गई थी। हाँ, और ये तो आज हमारा ऐसे सच कोई प्लान था नहीं, पर अचानक से प्लान बना और हम दोनों आ गए। अभी 1 बजे तो हम घर से निकले और अभी सीधे आए। थोड़ी थोड़ी सांस तो मेरी भी फूल रही है पर ये तो रुकी जा रही है। हाँ राशि बोल, क्या हुआ, थक गई? नहीं थकी तो अभी तो और है, अभी थक जाएगी थोड़ा और। कितनी सीढ़ियाँ होंगी तेरे हिसाब से? जब तक ये खाते हैं तब तक तो क्यूट लगते हैं, छीना झपटी करते हैं तो डर भी लगता है यार। प्रसाद मेरे हाथ में भी, प्रसाद छुपा लो भाई। हनुमान जी कैमरा मत ले जाना, बस बाकी जो करना है कर लो, हम और प्रसाद दे देंगे आपको। भगवान काफी भीड़ हो रखी है यार यहाँ मंदिर में, है ना। हाँ डोलिया रखी है पता नहीं। जिस टाइम पे मैं ये शॉट ले रहा था वहाँ पे एक भैया खड़े थे और अपनी फैमिली के साथ आए थे, तो उन्होंने कहा यार मेरी भी एक अच्छी सी फ़ोटो ले लो मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनकी भी एक अच्छी सी फ़ोटो ले लेता हूँ, इसी बहाने इन्हें भी याद रहेगा यार चलो अच्छी फ़ोटो ली। बाद में उन्होंने बोला भी यार बहुत अच्छी फ़ोटो ली तुमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डोली नचाई जा रही है, माता की डोली है। यहीं आसपास किसी गाँव से काफ़ी दूर दूर से भी आती हैं, अभी इसका हमें पता नहीं ये कहाँ से आई है। Thank you.
तो समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुंजापुरी माँ का मंदिर, ये मंदिर 52 सिद्धपीठों में से एक है और जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया था। इसकी स्थापना उन्हीं ने करी थी। जब शिव जी की पत्नी माता सती अपने पिता द्वारा कराए गए यज्ञ में गई और किसी वजह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति उसी यज्ञ में दे दी, तो उनके जले हुए मृत शरीर को लेकर शिव जी यहाँ से जा रहे थे और माता का ऊपरी भाग, जो ऊपर का हिस्सा था, वो यहाँ गिरा। तब से यहाँ कुंजापुरी मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे यहाँ पे, एक डोली लेके आए थे गांव वाले। अब मुझे ये तो नहीं पता चल पाया कि वो कौन सी देवी की डोली थी या किसकी थी, पर इस मंदिर की काफ़ी अहमियत है और यहाँ पे ऐसे दूर दूर से भी कई डोलियाँ लाई जाती है और यहाँ पे फिर उनको पूजा जाता है। और जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई, ऐसे यहाँ नृत्य भी होता है, गढ़वाल में इसका बहुत प्रचलन है। बाकी आप देख सकते हैं कि मंदिर सिर्फ वैसे ही खूबसूरत नहीं है, पीछे से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं, कितना अच्छा है, एकदम ऊंचाई पर स्थित है मंदिर। और यही रास्ता आगे जाके आपको चंबा में जाके मिल जाएगा और वहां से आप टीरी डैम भी जा सकते हैं। अगर आप लोग टीरी नहीं गए हैं तो ये पूरा रास्ता कनेक्ट होता है आगे जाके। तो हमने कर लिए हैं दर्शन माँ के और बहुत मज़ा आया। आज डोली भी आई थी और काफ़ी कुछ अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद आए आज, कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं हमें आए हुए पिछली बार, तो आके या बहुत अच्छा लगा। जोर से देवी बोलना। तेरा गाना सुनकर बंदरों में लड़ाई हो गई, कह रहे कौन बेसुरी आई है। मतलब पूरी ट्रिप में जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है वो यही है, खाना खाने के लिए रुको और खाना खाओ। ऊपर बंदरों की लड़ाई छिड़ गई, वो भयंकर। और अब सीधे यहाँ से भागेंगे घर की ओर, क्योंकि अब शाम भी होने लग गई, मौसम भी ठंडा हो रहा है, और सीधे घर जाएंगे क्योंकि बीच में रास्ता थोड़ा जंगल वाला भी है और उधर हाथी भी आते हैं, तो ज़्यादा रोशनी रोशनी में निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पुराने राजा का महल, जिसे अब होटल में तब्दील कर दिया गया है। राजा नरेंद्र शाह, जिन्होंने ये नीचे जो नगर है नरेंद्र नगर बसाया था, उन्हीं का ये पहले महल हुआ करता था। अब इसमें होटल बन चुका है और जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वो आते हैं और यहाँ रहते हैं।